शाम का समय है, बहुत ही मोहक नज़ारा है। अब नहाने वाले छट गए हैं। दिन में जब धूप रहती है तो ज़्यादा पब्लिक नहाती है। कुछ मतवाले जोशीले बच्चे भीतर भी नहा रहे हैं अंदर जाके, लेकिन एकदम से गहराई आती है, जाना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ जल जो है ज़्यादा चल रहा है, ये यहाँ सोती है। अगर पीछे पानी ना कम किया जाए तो यहाँ करीब इतना ऊंचा जल चल रहा था, यहाँ इसके लेवल में चल रहा था, तो ये इन्होंने बिल्कुल कम कर दिया। और शौकीन भाई यहाँ जो हैं अपने झोटों को पानी पिया रहे हैं। भाई कौन से गाँव से? पथोली। अच्छा नंगला पथोली, यो भी वहाँ से ही है। अच्छा डाबके का। दोस्तों दांती रामा सिंगार ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे यहाँ भाई। और अब शाम का समय है, पब्लिक नहा के जा चुकी है। और उधर पार का मेला है, वो भी आपको कल दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया। अंदर जल ज़्यादा है, देख सकते हैं, जब हाथ में कैमरा रहता है तो ये ज़्यादा ज़्यादा भड़कते हैं, क्योंकि इन्हें पता है मोटरसाइकिल चलती है, पीछे से हाथ में फ़ोन रहते हैं, कटड़े भगते रहते हैं, तो इन्हें पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये देख सकते हैं कितना भर रहा है। तो भाई आपका नाम? बबलू मित्तल। अच्छा बबलू मित्तल डाब का, लाला जी बहुत बढ़िया। तो ये कटड़ा कब से आपके पास? 3 साल से, छोटा नहीं। हाँ बढ़िया बढ़िया। आपसे पहले कहाँ था ये? अच्छा भोजपुर था, बहुत बढ़िया। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही जीदार और बहुत ही बढ़िया भैंसा है, बहुत ही बेहतरीन। 2 कटड़े और आ गए हैं, एक छोटा भी आ गया है। अच्छा ये भी साथ में आ रहे हैं, कुछ भाई यहीं नहा रहे हैं। वैसे सरकार जहाँ तक लिमिटेशन लगाए उससे आगे जाना नहीं चाहिए, ना लेना चाहिए, लेकिन वहाँ ज़्यादा प्रेशर है पानी का। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद, जुड़े रहिए।